जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार में होने वाले एस्टेट पेपर के पेपर, जो कि हिंदी का है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा बिहार एस्टेट हिंदी, ये एग्ज़ाम हुआ था 11/9/2023 शिफ्ट सेकेंड। तो पहला क्वेश्चन है, पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, पित प्लस अंबर, ये मिलके बनता है पीताम्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाविक शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, नौ प्लस एक, ये मिलकर नाविक बनता है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक का संधि विच्छेद करिए। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, प्रति धन एक, प्रति धन एक, ये मिलकर बनता है प्रत्येक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ये भी होगा ये भी, विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं। सही ऑप्शन है वो कौन सा समास होता है। सही ऑप्शन है ऑप्शन, इसमें से दोस्तों कोई नहीं है, जिसका प्रथम पद प्रधान होता है उसे हम अव्ययी अव्ययी भाव समास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुरानन में कौन सा समास है। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, बहुव्रीहि समास। प्रतिकूल में कौन सा समास है। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, अव्ययी भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देव जो महान है वह, यह किस समास का उदाहरण है। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक पदांश दिया है, गदांश दिया है, जैसे कि भारत माता को हम नमन करते हैं, उत्तर में हिमालय इसका प्रहरी है, दक्षिण में हिंद महासागर उसके चरण पखारता है, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूरब में बांग्लादेश है, गंगा यमुना नर्मदा ताप्ती कृष्णा गोदावरी ब्रह्मपुत्रा आदि नदियां भारत के मैदानी क्षेत्रों की शोभा बढ़ाती हैं, खेतों में लहराती फसलें और बागों में पके फलों की बहार भारत माता का उपहार है, प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माँ का सपूत है, सबकी प्रिय है भारत माता, फसलें और पके फल किसकी देन है। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, नदियों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपूत शब्द में कौन उपसर्ग है। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, स, इसमें दोस्तों स धन पूत मिलकर के सपूत बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसका धर्म है कि वह स्वयं के लिए जिए और दूसरों को भी जीने दे, वह अपने सुख दुख के साथ दूसरों के सुख दुख की ओर भी ध्यान दे, अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों के हित की भी सोचे, अपना स्वार्थ सिद्ध करना मानवता नहीं है, परहित ही सच्ची मानवता है, यही सच्चा धर्म है, मनुष्य अपनी क्षमता या सामर्थ्य के अनुसार परहित कर सकता है, वह मन से धन से या तन से अपना अथवा तीनों से दूसरों की भलाई कर सकता है, दूसरों के प्रति सच्ची सहानुभूति रखना भी परहित है, किसी को संकट से बचाना, किसी को कुमार्ग से हटाना, किसी दुखी और निराश व्यक्ति को सांत्वना देना भी परहित के ही अंतर्गत आता है। भगवान राम ने ऋषि मुनियों की तपस्या में बाधा डालने वाले राक्षसों का संहार किया, ईसा मसीह ने लोगों का उत्थान किया, सम्राट अशोक ने स्थान स्थान पर कुएं तालाब आदि खुदवा कर जनता का उपकार किया, यही मानवता का प्रमुख धर्म है। सामाजिक शब्द में प्रत्यय है। सही उत्तर है उत्तर ए, एक, इसमें समाज प्लस एक मिल करके सामाजिक बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परहित के अंतर्गत आता है।
परहित के अंतर्गत आता है? सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक पदांश है, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, परिजन में उपसर्ग है। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, परिजन, ये बी है परिजन, परि प्लस जन मिलकर के बनाता है परिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय का विलोम है? सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, अन्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दों के सार्थक मेल को कहते हैं? सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कल कहाँ गए थे, किस वाक्य का उदाहरण है? सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, प्रश्नवाचक, क्योंकि इसमें प्रश्न पूछा गया है कहाँ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य बताएं? सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, मुझे घर जाना है, प्राण निकल गया नहीं होता, निकल गए, लता मेरी लड़की है, है नहीं होता, है अंक की बिंदी आएगा यहाँ पे, वह छत से गिर गया, छत पर हट जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म के अनुसार क्रिया के कितने भेद होते हैं? सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 2, सकर्मक क्रिया और एक होता है अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समास में उत्तर पद अंतिम पद प्रधान होता है? सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, तत्पुरुष प्रधान, जिसके अंदर कारक चिन्ह होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग के जोड़े में कौन सा सही है? सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, ब्राह्मण ब्राह्मणी, दाता का दानी नहीं होता, दात्री होता है दाता दात्री, लेखक का लेखिका होता है, कवि नहीं होता, भेड़ का बकरी नहीं होता, भेड़िया भेड़ का भेड़ी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, सुंदर सुंदरम सुंदरतम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन काटना मुहावरे का अर्थ है? सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, समय बिताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बगल में छोरा नगर में ढिंढोरा लोकोक्ति का क्या अर्थ है? सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, वस्तु के पास होने पर भी चारों ओर ढूंढना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ है? सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, बेफिक्र होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आस्तीन का सांप मुहावरा का अर्थ है? सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, कपटी मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांटा निकालना मुहावरे का अर्थ है? सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, बाधा दूर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, भारी विपत्ति आना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चादर से बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ क्या है? सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, आय से अधिक व्यय करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसन डोलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, विचलित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, संतोष को क्षमा कर दो, ये क्षमा नहीं होगा, ये वाला क्षमा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, रेडियो की उत्पत्ति किसने की, यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन मार्क होगा, ये ऑप्शन सही है। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ, यहाँ पे होना चाहिए गाजर को काट कर, यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए गाजर काट कर खरगोश को खिलाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है?
सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, विद्यालय के दाएं बड़ा सा मैदान है। इसमें होना चाहिए विद्यालय के दाई ओर, विद्यालय के दाई ओर बड़ा सा मैदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, वह बहुत जल्दी वापस लौट आया। इसमें सही ऑप्शन होना चाहिए वह बहुत जल्दी लौट आया, वापस इसमें नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन पदबंध के अंतर्गत शामिल नहीं है? सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, समास पदबंध। दोस्तों पदबंध होते हैं पांच, जिसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण। 1, 2, 3, 4, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब दरवाज़ा खोला जा सकता है रेखांकित पद में कौन सा पदबंध है? सही ऑप्शन है, ये रेखांकित है जा सकता है, सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, क्रिया पदबंध, क्योंकि जा क्या है, क्रिया है, इसलिए क्रिया पदबंध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल फुटबॉल खेलकर चला गया, रेखांकित पद इसमें क्या है, खेलकर पे रेखांकित है, कौन सा पदबंध है? सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, क्रिया पदबंध, क्योंकि खेलना एक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाव पानी में डूबती चली गई, रेखांकित पद चली गई, निम्नांकित में से कौन सा पदबंध है? सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, क्रिया पदबंध, क्योंकि चलना भी एक क्या है, क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका कुत्ता अत्यंत आज्ञाकारी है, अत्यंत आज्ञाकारी रेखांकित है, कौन सा पदबंध है? सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, विशेषण पदबंध, क्योंकि इसमें विशेषता बता रही है अत्यंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमा से रोया नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, भाववाच्य। दोस्तों वाच्य तीन प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य और कर्मवाच्य और भाववाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने सुंदर पेंटिंग बनाई है, इनमें से कौन सा वाच्य है? सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, कर्मवाच्य, क्योंकि इसमें कर्म की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, बोलने की विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाववाच्य का उदाहरण है? सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, बच्चा से उठा नहीं जाता। सुनार गहने बनाता है, कौन सा वाच्य है? सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, कृतवाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, निरपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, मैं तुम्हें अच्छी अच्छी बातें बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, झूठी गवाही मत देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, हिंदी हम में से प्रत्येक विद्यार्थी की मातृभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, तीन। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? पहला होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, तीसरा होता है मिश्रित वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द शक्ति के भेद हैं? सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, इनमें से सभी, अविधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यंजना शक्ति से जो अर्थ निकलता है उसे कहते हैं?
सही ऑप्शन है ऑप्शन ए व्यंग, व्यंजना से व्यंग निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थबोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, लक्षणा शब्द शक्ति व्यंजना पर आश्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य शास्त्र के अनुसार अर्थ शब्द में अर्थ कितने प्रकार से आते हैं? सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 3 प्रकार से। पहला अविधा, दूसरा लक्षणा, तीसरा व्यंजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिखारी को देखकर राधा बोली महाराज आ रहे हैं, इस वाक्य में शब्द शक्ति है? सही ऑप्शन है ऑप्शन ए व्यंजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य में जहां शब्द के कारण रमणीयता हो और शब्द परिवर्तन से काव्य सौंदर्य क्षीण हो जाए, क्या कहलाता है? सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ये सी है जबकि यहाँ पे बी होना चाहिए, शब्दालंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी वक्ता बड़ योगी। युक्त पंक्तियों में अलंकार है। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी विभावना। विभावना अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। इसमें कहा जा रहा है, बिना पैर के चलने लगे, बिना कान के सुनने लगे, बिना हाथ के काम करने लगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, अनुप्रास अलंकार। क्योंकि अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, जैसे च च च च, चारों चर की चंचल किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं पराग नहीं मधुर, मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंधियो आगे कौन हवाल। इसमें कौन सा अलंकार है? सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, अनियोक्ति अलंकार। अनियोक्ति अलंकार वहाँ होता है जहाँ किसी की बात किसी और पर ढाल कर कही जाए, वहाँ अनियोक्ति अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ के सुचि उपकारों का जीवन में अंत नहीं है, निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं है, उक्त पंक्तियों में मुख्य रूप से कौन सा अलंकार है? सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार क्या होता है? प्रतीप का मतलब होता है उल्टा या विपरीत। यह अलंकार उपमा का उल्टा होता है। यहाँ उपमान को उपमेय और उपमेय को उपमान सिद्ध करके चमत्कार पूर्वक उपमेय या उपमान की उत्कृष्टता दिखाई जाती है, वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंध मैंने पिया मदहोश कोई और हुआ में कौन सा अलंकार है? सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, असंगति अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्था अलंकार के बिना सरस्वती विधवा के समान है किसका कथन है? सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, भरत मुनि। सॉरी दोस्तों, ये सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, वेद व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलंकारों का शिरो रत्न माना जाता है? सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है सादृश्य या समानता या तुलना। जहां उपमेय या उपमान में गुण रूप या चमत्कृत सौंदर्य मूलक सादृश्य का प्रतिपादन किया जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, सरिस मन डोला, कि पीपर के पत्ते के समान पूरा शरीर डोलने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार किस अलंकार का दूसरा नाम है?
सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, बिप्सा अलंकार। बिप्सा अलंकार जब दुख, आश्चर्य, आदर, हर्ष, शोक इत्यादि विषयादि बोधक भावों का व्यक्त करने के लिए शब्दों की पुनरावृत्ति की जाए तब उसे बिप्सा अलंकार कहा जाता है। जैसे मोही 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 मोहन को मन, राधा मन भयो राधा मन, एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमरन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर, कभी व्यभिचारी चोर पंक्ति में कौन सा अलंकार है। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए श्लेष अलंकार। जब श्लेष अलंकार का मतलब होता है चिपकना, मिलना अथवा संयोग। जब एक शब्द से के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूपम रूपक अलंकार का उदाहरण है। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी मन सागर, मनसा लहरी, बूढ़े बड़े, बहे अनेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य शील दृढ़ ध्वजा पताका में कौन सा अलंकार है। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें दोस्तों अलंकार है रूपक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूपक अलंकार ढूंढे। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए शशि मुख पर घूंघट डाले, आंचल में दीप छिपाए। मुख का क्या हो रहा है कि शशि से, चंद्रमा से तुलना की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपी पद पंकज पावन की रज जामे, सिर भीजे में कौन सा अलंकार है। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, ए और सी दोनों अनुप्रास अलंकार भी है और रूपक अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्योंकि एक ही आवृत्ति बार बार प प प, और रूपक अलंकार गोपी पद पंकज, गोपी का पद पंकज के समान, कमल के समान। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेम अतिथि है खड़ा द्वार पर, हृदय कपाट खोल दो तुम में कौन सा अलंकार है। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए रूपक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग का घड़ा हो, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में दोस्तों मनु, मानो, जनु, जानो, ज्यो इत्यादि वाचक शब्द आते हैं उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, जैसे कि यहाँ पे आया है मानो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहती हुई जो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम करोड़ से कड़ों से पूर्ण, मानो हो गए पंकज नए, इसमें कौन सा अलंकार है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा अलंकार, इसमें भी मानो शब्द आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख मानो चंद्र है, दोस्तों इसमें भी मानो आया है, तो ऑप्शन डी उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी बुलाई मनु फुलवारी, सर्व चली पद्मावती, सब सखी बुलाई मनु फुल आई। सही ऑप्शन है इसमें कौन सा अलंकार है। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा अलंकार, क्योंकि इसमें भी मनु आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानहु विधि तन अच्छ छवि, स्वच्छ राखवे काज, दृग पग पाचन को करे, भूषण पायदा नंदाज, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा अलंकार, क्योंकि इसमें भी मानहु आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न खुदा ही मिला न विशाल सनम, ना इधर के रहे न उधर के रहे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार में जहाँ विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास होता है वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई ऐसी अद्भुत वेला, ना रो सका ना बिहस सका, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी विरोधाभास। विरोधाभास जहाँ विरोध ना होते हुए भी विरोध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अंधा भी देख रहा हूँ, रोती हो तुम रोती हो, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी विरोधाभास अलंकार।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल उठो फिर सींचने अलंकार है को इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, विरोधाभास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुलगती अनुराग की आग जहां, जल से भरपूर तड़ाग वहां, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, विरोधाभास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छंद के कितने अंग होते हैं? दोस्तों छंद के कितने अंग होते हैं? छंद के 5 अंग होते हैं। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊ ए ए कौन सा वर्ण है? सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, दीर्घ वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त स्वर और उनसे मिले व्यंजनों में कौन सा वर्ण होता है? सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, गुरु। इसमें गुरु होता है, हम गुरु को दर्शाते हैं ऐसे और लघु को दर्शाते हैं हम ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यगण में कितने लघु और गुरु होते हैं? दोस्तों ये ऐसे है, ये 5-5 नहीं है। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 1 लघु 2 गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर में कितने लघु और गुरु होते हैं? ये दोस्तों ये ऐसे लिखते हैं हम इसको, ये ऐसे लिखते हैं। नगर में कितने लघु और कितने गुरु होते हैं? सही ऑप्शन है ऑप्शन 1, 3 लघु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा वार्णिक छंद, जागो उठो भारतवासी, आलस्य त्यागो न बनो तुम विलासी में है? इसमें दोस्तों क्या है, इंद्र ब्रजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वार्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 1 नगड़, 2 भगड़ और 1 रगड़ के क्रम में कुल 12 वर्ण होते हैं? सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, द्रुत विलंबित। द्रुत विलंबित में कुल 12 वर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न किस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं? सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, मंद अक्रांता में 14 वर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा वार्णिक छंद है, पल पल जिसके मैं पंथ को देखती थी, निसी दिन जिसके ध्यान में थी बिताती? सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, मालिनी। मालिनी में 15 वर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनाक्षरी छंद है? सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, वर्णिक छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, आचार्य विश्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, उपयुक्त पंक्तियाँ किस काव्य गुण से संबंधित है? सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, ओज गुड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, उपयुक्त पंक्ति किस काव्य गुण से संबंधित है? सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, प्रसाद गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य शोभाय कर्तारो धर्मा गुणा किसकी कथन है? सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, वामन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य वामन के अनुसार रीति का भेद कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, वेधर्भी। ऑप्शन सी, वेधर्भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, क्रोध। ऑप्शन सी, क्रोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंगार रस कितने प्रकार के होते हैं? सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 2 प्रकार के। ऑप्शन बी, 2 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियोग श्रृंगार का दूसरा नाम क्या है? सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, विप्रलभ श्रृंगार। विप्रलभ श्रृंगार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थके नयन रघुपति छवि देखे, पलक किन्हीं परिहरी निमेषे, पंक्ति किस रंस का उदाहरण है? सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, श्रृंगार रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य रसनात्मक काव्यम किसकी परिभाषा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन सी,
आचार्य विश्वनाथ की। दोस्तों इस वीडियो में 100 क्वेश्चन आते हैं, इस वीडियो में 100 क्वेश्चन थे जो कि एस्टेट में 100 क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है। इसमें हमें क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 50% क्वालिफाई करना होता है। तो दोस्तों आप अपना इसमें देख सकते हैं कि आपने कितना स्कोर करा है और आप इसी के हिसाब से तैयारी करेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बाकी हम आगे और वीडियो इसके टॉपिक के ऊपर बनाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।